नहीं है। हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं आज पार, ठीक है। पार के बारे में पढ़ेंगे। ये वैसे तो देखने में तो बहुत आसान लगता है कि ठीक है मैम एक ही फॉर्मूला है, बट इसमें से ना क्वेश्चन जो बनते हैं वो बहुत ही ट्रिकी होते हैं। अगर उनको उनकी थ्योरी एक बार तुमने पढ़ ली तो बहुत इजीली सॉल्व हो जाता है, ठीक है। वैसे तो तुमने पार के बारे में पढ़ा होगा क्लास 10th में भी। तो क्या होता है पार, कोई बता सकता है? इन टर्म्स ऑफ करंट इलेक्ट्रिसिटी बताना, वर्क के टर्म में मत बताना। के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे, ठीक है। तार क्या होती है बोलो? तार क्या होगी? बाय फॉर्म को डेफिनेशन ही बता दो कि व्हाट इज पावर। बोलो मैम, कोई भी एनर्जी ट्रांसफर हो किसी इलेक्ट्रिक सर्किट से। हाँ देखो, द पावर जनरेटेड इन अ सर्किट किसके बराबर होगी? इज द एनर्जी प्रोड्यूस्ड इन द रेजिस्टर, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि देखो, मान लो अगर तुम्हारे पास कोई भी रेजिस्टेंस आर है, उसमें आई करंट क्या कर रहा है? फ्लो कर रहा है उस रेजिस्टेंस में से। अब देखो रेजिस्टेंस का काम क्या है, जब भी उसमें से करंट पास करेगा तो रेजिस्टेंस के से जब करंट पास करेगा तो वोल्टेज क्या हो जाती है? ड्रॉप हो जाती है ना। रेजिस्टेंस क्या करता है? उस पोटेंशियल को खा लेता है। तो उस टाइम पे जब उसका पोटेंशियल ड्रॉप हुआ तो मतलब वो जो पावर थी वो क्या हो गई? वो जो इतनी एनर्जी है वो किसमें चेंज हो गई? तुम्हारी हीट में, है ना। जो वो एनर्जी जो रिड्यूस हुई वो किस में कन्वर्ट हो गई? हीट में चेंज हो गई। तो हम क्या बोलते हैं, जो डिक्रीज इन द पोटेंशियल एनर्जी हुई है अक्रॉस द रेजिस्टेंस वो किस में कन्वर्ट हो गई? तुम्हारी हीट प्रोड्यूस इन द सर्किट की। वही जो एनर्जी जो रेजिस्टेंस ने खा ली वो एनर्जी जाएगी कहाँ? क्योंकि एनर्जी तो कंजर्व रहनी चाहिए। तो वो पोटेंशियल एनर्जी का डिक्रीज तुम्हारा किस में चेंज हो गया स्टूडेंट? हीट प्रोड्यूस इन द सर्किट, ठीक है। अब देखो पावर क्या है, पावर वही हीट जो सर्किट में प्रोड्यूस्ड हुई है, जो एनर्जी सर्किट में प्रोड्यूस्ड हुई है उसी को क्या नाम दिया गया है? पावर का, है ना। पावर को क्या बोला गया है कि जब भी किसी सर्किट में पावर जो जनरेट होगी वो क्या होगी? कि जो एनर्जी प्रोड्यूस हुई है अक्रॉस द रेजिस्टर। तो रेजिस्टर के अक्रॉस कौन सी एनर्जी प्रोड्यूस हुई है बच्चों? हीट एनर्जी, जो ये हीट प्रोड्यूस हुई है, राइट। तो इसी को क्या बोलेंगे? हीट लॉ बोल दो, या इसी को क्या बोल दो? पावर जनरेटेड बोल दो अक्रॉस एनी रेजिस्टर, ठीक है। इन टर्म्स ऑफ करंट इलेक्ट्रिसिटी पावर को ये बोला जाता है। अब देखो जूल्स लॉ ने क्या बोला है कि अगर आपको किसी भी सर्किट की वो निकालनी है कि कितनी पावर जनरेटेड हुई या हीट प्रोड्यूस्ड हुई, तो कितना हीट प्रोड्यूस्ड होगा उसका उन्होंने एक फॉर्मूला दिया है। कैसे दिया है देखो, इन्होंने बोला कि हीट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी आई स्क्वायर के, फिर उसके बाद हीट जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी आर के, उसके बाद जो हीट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी टाइम के। मतलब कितने टाइम में पूछ रहे हो आप, कि जो ये हीट लॉस पूछ रहे हो ये कितने समय के लिए पूछ रहे हो, क्योंकि हीट टाइम पे भी डिपेंड करेगी। अगर बाय फॉर्मूला देखना चाहते हो तो देखो, पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर होती है? क्यू इंटू वी, वी इज द पोटेंशियल। अब चार्ज की क्या होता है तुम्हारा? आई टी, करंट इंटू टाइम। तो क्यू की जगह मैंने आई टी रखा, V क्या है? पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द रेजिस्टेंस R, वो किसके बराबर होगा? आई आर के। जब मैंने दोनों को वैल्यूज यहाँ पे रखी बाय फॉर्मूला तो तुम्हें क्या मिला? आई स्क्वायर आर टी। तो यही पावर जो है इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस जनरेट होगी या फिर जो हीट है वो लॉस हो जाएगी। कितनी हीट लॉस होगी? आई स्क्वायर आर टी। तो ये फॉर्मूला है बहुत इंपॉर्टेंट, इस फॉर्मूले को नोट कर लो, ठीक है। जिसे तुम लोग क्या बोलते हो? जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग भी बोलते हो। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग क्या है? यही है। समझ में आया कि मेरी आवाज ही नहीं आ रही? यस मैम। यस मैम। पता नहीं बच्चे बोल से नहीं गए, मुझे लगा गायब हो गए। अब देखो क्या लिख रहा है पावर की डेफिनेशन, द इलेक्ट्रिकल पावर जनरेटेड इन द सर्किट इज द एनर्जी प्रोड्यूस्ड बाय द रेजिस्टर। यही जो मैंने अभी यहाँ पे लिखा है,
पार की वैल्यू यहाँ से निकल के आई है आई स्क्वायर आर टी। अच्छा अब पावर क्या होगा, पावर क्या होता है, एनर्जी प्रोड्यूस्ड पर यूनिट टाइम। अगर तुम्हें पर यूनिट टाइम के लिए एनर्जी निकाल पार निकालनी है तो उस एनर्जी को किससे डिवाइड कर दोगे, इस हीट को टाइम के साथ। तो ये तुम्हारी क्या आ गई, पार मतलब एनर्जी पर यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम में कितनी एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है या पर यूनिट टाइम में कितना हीट लॉस हो रहा है, उसी को क्या बोला गया है, पार बोला गया। राइट बोलो। यस मैम। तो कितना आया पार की वैल्यू, आई स्क्वायर आर। ठीक है, अब इस आई स्क्वायर आर के देखो हम डिफरेंट डिफरेंट वेरी वो लिख सकते हैं फॉर्मूलास। क्यों, आई की वैल्यू हमारे पास क्या होती है, वी बाय आर, सही बात है। अब आई की जगह ना वी बाय आर रखो, आई की जगह क्या रखो, वी बाय आर। तो वहां से तुम्हारे पास एक फॉर्मूला क्या आएगा, वी स्क्वायर आर। लिखो अपनी कॉपी में, अब सॉल्व करो खुद से एक बार कि आई स्क्वायर आर है, आई की जगह वी बाय आर रखेंगे तो क्या मिलेगा, पावर का दूसरा फॉर्मूला विच इज वी स्क्वायर बाय आर। मिला सबको कॉपी में, भाई आई स्क्वायर आर की जगह वी बाय आर रख दो ना। यस मैम। सबका वी स्क्वायर बाय आर आ गया। तो आई स्क्वायर आर है ना, इसको क्या रखो, आई की जगह वी बाय आर रख दो और उसका स्क्वायर कितना आ गया, अब अब दूसरा, अब तीसरा फॉर्मूला देखो क्या आएगा, तीसरा फॉर्मूला क्या लिखो, रेजिस्टेंस की फॉर्म में हटा दो। अब मुझे अपना आंसर किसकी फॉर्म में चाहिए, बस V और I की फॉर्म में। अब R की जगह क्या लिख दो, V बाय I, R की जगह लिख दो V बाय I। तो देखो पावर इक्वल्स टू I स्क्वायर R, R की जगह क्या लिख दूं मैं, V बाय I। तो आंसर देखो क्या आ गया, V I। तो ये मिला तुम्हें तीसरा फॉर्मूला पावर का। ठीक है, तो यू हैव थ्री फॉर्मूले। अब ये तीनों फॉर्मूले किस किस कंडीशन में यूज करने हैं इसको ध्यान से देखो। पहला फॉर्मूला P इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर, ये देखो तुम्हें लग रहा होगा कि ये क्या है, ये पार इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर है ना, पावर से बहुत क्वेश्चन आते हैं, जब अगर बिना कॉन्सेप्ट करे पावर का क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते। ठीक है, तो पावर क्या है, आई स्क्वायर आर। अब देखो सीरीज में अगर मान लीजिए रेजिस्टेंस है तुम्हारे पास, अब मुझे बताओ सीरीज में करंट सेम रहेगा कि डिफरेंट, सेम सेम रहेगा सीरीज में। हाँ, तो सीरीज में आई की वैल्यू हो जाएगी तुम्हारे पास सेम हो जाएगी। तो तुम्हें सीरीज के केस में जब पावर का फॉर्मूला लगाना है तो कौन सा लगाना है, ये वाला। ठीक है, आई स्क्वायर आर बोलो। Yes, अब यहाँ पे एक नोट लिखा हुआ, ये पढ़ो, द पावर प्रोड्यूस्ड इज ग्रेटर फॉर हायर वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस। इसका क्या मतलब है, आई स्क्वायर क्या होने वाला है, कांस्टेंट। मान लो दो रेजिस्टेंस है R1 और ये मैं मानती हूँ, देखो ये है मेरा 50 ओम और ये R2 है जिस विच इज इक्वल टू मैं मान लेती हूँ 1000 ओम। अब देखो दोनों के पास आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी है रेजिस्टेंस के पास, सेम है ना। अब मैं पूछती हूँ कि P1 ज्यादा होगी या P2 ज्यादा होगी, तो तुम बताओ कौन सा रेजिस्टेंस ज्यादा पावर प्रोड्यूस करेगा, विच पावर विच रेजिस्टेंस, हाँ। तो यहाँ से तुम देखोगे पावर I स्क्वायर से तो कांस्टेंट है, तो सिर्फ डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है R पे। तो क्या लिख रहा है, द जिसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू ज्यादा है वो उतना ही ज्यादा क्या प्रोड्यूस करेगा, हीट प्रोड्यूस करेगा, राइट। तो R2 के पास ज्यादा रेजिस्टेंस है तो पार जो प्रोड्यूस करेगा सबसे ज्यादा या हीट लॉस जहां पे सबसे ज्यादा होगा वो कहां पे होगा, हीट लॉस R2 के पास, कहां पे, सीरीज में। ठीक है, वही पैरेलल में देखो, पैरेलल में कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, V स्क्वायर बाय R। क्यों, क्योंकि वोल्टेज क्या रहने वाली है, सेम। अब जब अब देखो कितनी अच्छी बात है, अगर तुमने पैरेलल में रेजिस्टेंस लगा दिए तुम्हें पावर सबसे ज्यादा कहां, अभी इसी क्वेश्चन को ऐसे करो, मैं ऐसे कर देती हूँ, देखो ये 50 ओम था, अब मैंने इसको पैरेलल में लगा दिया 1000 ओम को, चलो 1000 ओम। ठीक है, अब देखो पैरेलल में है, पैरेलल में क्या कह रहा है, जिसका रेजिस्टेंस कम
वो पावर ज्यादा प्रोड्यूस करेगा, है ना। तो यानी यहाँ पर जिसके पास ज्यादा पावर आएगी, जो ज्यादा हीट प्रोड्यूस करेगा, वो कौन सा रेजिस्टेंस होगा? 50 ओम। तो कई बार ना ऐसे क्वेश्चन ना एमसीक्यू में आ जाते हैं, चार रेजिस्टेंस दे दिए, बस वो सिर्फ ये पूछ लेगा कि कहाँ पर पावर जो है ज्यादा प्रोड्यूस हो रही है, या फिर वो मैक्सिमम वैल्यू देगा तुम्हें, है ना, कि कौन सा वाला रेजिस्टेंस है जिसके अक्रॉस पावर इतनी होगी। तो तुम यहाँ से एनालाइज कर पाओगे कि किसके अक्रॉस कम से कम वैल्यू आएगी और किसके पास ज्यादा से ज्यादा वैल्यू आएगी। ठीक है, ये नोट बहुत इंपॉर्टेंट है, इन दोनों नोट को स्टार मार्क करके अपनी कॉपी में छाप दो। आगे बढ़े। यस मैम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बढ़ गए आगे, करो सवाल। ये तो शायद नॉर्मल वैसी पहला, ये तो समझ लो कि रिवीजन क्वेश्चन है, पावर से लेना देना नहीं है इसका, रिवीजन क्वेश्चन करो। देखो पावर में मजा आ जाएगा आज, तुम एक बार जुड़े रहो, एक बार पूरा ध्यान से सुनते रहो बस। बच्चे ये क्वेश्चन ना गलत नहीं होना चाहिए, मुझे इसका आंसर तुम सबसे सही चाहिए। टेक योर टाइम। गुनगुन के आंसर आ रहा है, क्रिश, आयुष, लावण्या, अभी तक किसी का भी नहीं आंसर आया। चलो जूम कर दिया। अच्छा कई बच्चे मोबाइल से भी ज्वाइन करते होंगे ना? यस मैं स्टूडेंट, हाँ तो उन्हें देखने में थोड़ा दिक्कत होगा। वैसे मोबाइल स्क्रीन भी जूम कर सकते हो तुम। यस मैम। कुछ नहीं है, बस तुम्हें क्या बताना है, क्या सीजन रिव्यूज इन द चेंज ओम, यानी तुम्हें रेजिस्टेंस बताना है कि 8 एम्पीयर करंट पाने के लिए कितना रेजिस्टेंस लगा दें सीरीज में। बस तो आई का फॉर्मूला वी बाय आर होता है मैम। 8 ओम। 8 एनीवन? गुनगुन को, इशिता बोलो क्या आ रहा है भाई? 8। इशिता का भी 8, अनिरुद्ध का भी 8 आ रहा है। चलो चेक करते हैं बाकी के बच्चे, बाकी के कौन कौन, दिव्यांश, कनक, कृष, वेरी गुड 8 आ रहा है ना, वेरी गुड। बाकी अभी आंसर मैं निकाल चेक करती हूँ के बाद पता चलेगा। तो क्या कह रहा है, एक बैटरी है जिसके पास 6 लीड एक्यूमुलेटर्स हैं, हर एक के पास EMF 12 है, तो टोटल वोल्टेज कितनी हो जाएगी, 2 × 6 12 वोल्ट। ठीक है, इंटरनल रेजिस्टेंस है तो टोटल आर कितना हो जाएगा, 0.5 × 6 कितना आ गया, 3 ओम। अच्छा अब क्या कर रहा है, दिस इज चार्ज बाय 100 वोल्ट DC सप्लाई, मतलब ये एक बैटरी का बॉक्स है जो कि सप्लाई चार्ज हो रहा है एक एक्सटर्नल बैटरी है जिसका पोटेंशियल 100 वोल्ट है, राइट। अब क्या कह रहा है कि मुझे कितना करंट चाहिए सर्किट में,
8 एम्पियर चाहिए, तो आई इक्वल्स टू वी बाय आर होगा। आर मान लीजिए एक और रेजिस्टेंस लगाना है सीरीज में, इसकी वैल्यू मुझे पता नहीं तो मैं कैपिटल आर मान देती हूँ, प्लस स्मॉल रेजिस्टेंस जो इस बैटरी का है, दिस इज इक्वल्स टू 3 ओम। ठीक है, तो पोटेंशियल मुझे बताओ बच्चों, नेट पोटेंशियल इसका 12 वोल्ट है और इसके पास 100 वोल्ट है, तो ऐड होगा कि सब्ट्रैक्ट होगा? हम सब्ट्रैक्ट। हाँ सब्ट्रैक्ट होगा, क्यों? क्योंकि ये बैटरी क्या कर रही है, इस बैटरी को चार्ज कर रही है। ये जो 12 वोल्ट है इसका अभी खुद का, इसके पास कोई भी पोटेंशियल है ही नहीं, ये चार्ज्ड ही नहीं है सेल्स, तो ये भी चार्ज हो रहे हैं, तो यानी ये 12 वोल्ट खुद खा जाएंगी। तो 100 माइनस 12 कितना आ गया, 86 नहीं 90 कितना आ गया, 88। ठीक है, तो ये आ गया आर प्लस 3। आई की वैल्यू गिवन है 8 इक्वल्स टू 88 बाय आर प्लस 3, तो ये 11 टाइम्स कट गया, आर प्लस 3 इक्वल्स टू 11, तो आर इक्वल्स टू 11 माइनस 3 विच इज इक्वल्स टू 8। भाई बहुत सही, एकदम सही आंसर, वेरी गुड बच्चों, वेल डन। अब ये करो, इसी का ही पार्ट है, 1 2 3। पावर निकालनी, अब तुम्हारे पास सर्किट में आई भी है, वी भी है और आर भी है, तीनों चीजें हैं। अब पावर निकाल दो कि डीसी सोर्स कितनी पावर सप्लाई कर रहा है। ठीक है, डीसी सोर्स कितनी पावर सप्लाई करेगा, फॉर्मूले लिख लो तीनों, मैं यहां लिख देती हूँ तुम्हारी स्क्रीन पे ही। ये क्या है, पावर का आई स्क्वायर आर लिखूंगी, डीसी सोर्स कौन सा है इसमें, 100 वोल्ट वाला। ठीक है मैम, 152। अच्छा, कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे इसके लिए? देखो क्या हमारे पास इस, हमारे पास इस बैटरी का रेजिस्टेंस नहीं है, हमारे पास एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, तो ये बैटरी कितना करंट, कितना पावर देगी वो हम इससे निकालेंगे, वी आई से, क्योंकि रेजिस्टेंस टोटल आएगा, तो वी कितना है इसके पास 100 और आई कितना आया था 8। ठीक है, तो कितना पावर सप्लाई किया इस बैटरी ने, 8 वाट, पावर का यूनिट वाट होता है। ठीक है, तो इसमें सिर्फ 800, तुमने 105 कैसे निकाला? मैम वो मैंने आई स्क्वायर इनटू आर का फॉर्मूला लगाया। किसका लगाया तुमने, आई स्क्वायर हम इनटू आर, आई स्क्वायर आर का फॉर्मूला लगाया है। तो ये ऐसा डायग्राम होगा कुछ, मान लो ये रेजिस्टेंस R1 है, ये रेजिस्टेंस R2 है, ये 100 वोल्ट की बैटरी है, एक बैटरी और है यहाँ पे जो कि 12 वोल्ट की है। अगर मैं इनके साइन बना दूं तुम्हारे पास, इस तरीके का सर्किट है ये, ठीक है, जो कि इसके पास 100 वोल्ट है, इसके पास 12 वोल्ट है और ये रेजिस्टेंस R1। अब बोला गया है कि 100 वोल्ट वाली बैटरी कितना पावर सप्लाई कर रही है, मुझे ये बताओ 100 वोल्ट से करंट कितना इस 100 वोल्ट की वोल्टेज तो 100 होगी। ठीक है, अब जो ये आई स्क्वायर आर है ना, जो तुमने इसमें रेजिस्टेंस भी लगाया है, ये इसमें रेजिस्टेंस कितना यूज किया है टोटल? यस सर, एक सेकंड, एक मैं कैलकुलेट करती हूँ, आई की वैल्यू कितनी आई थी, 88 जो 64, और रेजिस्टेंस कितना था, 8 9 11 और 3, 8 और 3 11, ये कितना आया, 640 वोल्ट आया। ठीक है, अब अभी तुम देखना कि ये 640 वोल्ट जो आएगा ये क्या आएगा, रुके रहना, अभी इसी में आएगा। एक बार बी ऑप्शन निकालना, फाइंड द पावर डिसिपेटेड एज अ हीट, जो पावर है हीट के फॉर्म में डिसिपेट हो गई, उसमें क्या लगाओगे, उसमें आएगा ये जो तुमने निकाला है ना, सेकंड जो तुमने निकाला है
पावर डिसिपेटेड एज आर 64 × 11 640 कैसे हुआ? सॉरी कितना होगा ये? 638 6 बच्चे बताना कितना आएगा? 704 वॉट। तो अब ये जो तुमने निकाला है ना आई स्क्वायर आर करके, ये कौन सी पावर है जो पावर हीट के फॉर्म में क्या हो गई? डिसिपेट हो गई। पावर डिसिपेटेड एज अ हीट, ये तुमने सेकंड का आंसर निकाला है। कितना? 704 वॉट। क्यों? मैंने तुम्हें ये फॉर्मूला बताया है जो वी, जब ये इनिशियली में जो तुमने आई स्क्वायर आर निकाला है, ये आई स्क्वायर आर किसका फॉर्मूला था? आई स्क्वायर आर हीट प्रोड्यूस्ड इन द सर्किट, इस सर्किट में कितनी हीट प्रोड्यूस हुई, ये उसका फॉर्मूला है जूल्स लॉ से जो निकाला है आई स्क्वायर आर। ठीक है, तो हीट प्रोड्यूस के लिए जब फॉर्मूला आएगा तब तुम ये आई स्क्वायर आर का फॉर्मूला यूज करोगे, और जो हीट सप्लाई का जो फॉर्मूला है कि कोई भी सोर्स कितना हीट सप्लाई कर रहा है उसके लिए फॉर्मूला क्या यूज करोगे? वी आई। ठीक है, पावर डिसिपेटेड यानी जब हीट की फॉर्म में बात आए तब तुम्हें आई स्क्वायर आर और वी स्क्वायर बाय आर वाले फॉर्मूले यूज करने हैं। ठीक है, अब तीसरा ऑप्शन निकालो। इन दोनों रेजिस्टेंस को मिला के जो हीट डिसिपेट हुई है इस सिस्टम से वो इतनी हुई है, तो एनर्जी स्टोर कितनी हो गई बच्चों? इसका माइनस एनर्जी बची कितनी इन दोनों का? माइनस 800 माइनस 704 कितना आ गया? 96। कितने मिनट के लिए पूछ रहा है वो? 15 मिनट के लिए, तो इसको सेकंड्स में चेंज कर लो, 15 × 60। तो इतने टाइम में तुम्हारे पास इतनी एनर्जी स्टोर हो गई। तो क्लियर है कि जब ये आई स्क्वायर आर और वी स्क्वायर बाय आर, दीज आर द हीट लॉस और एनर्जी लॉस वाले फॉर्मूले। पावर डिसिपेटेड एज हीट का मतलब क्या है कि जो हीट एनर्जी थी, जो एनर्जी जो लॉस हुआ है वो डिसिपेट हो गई एज अ हीट, और वही हीट क्या है उस रेजिस्टेंस के पावर के फॉर्म में डिसिपेट हो गई, ऐसे बोल देते हैं। पावर सप्लाई बाय डीसी रिसोर्स के लिए वीआई का फॉर्मूला यूज करते हैं। चलो मूव अहेड। अब देखो अब क्या है, रेजिस्टेंस ऑफ अ बल्ब, इसका क्या मतलब है? रेजिस्टेंस ऑफ अ बल्ब की मान लीजिए कि किसी सर्किट में तुम्हारे पास एक बल्ब लगा हुआ है। ठीक है, अब ये हाँ एक रेजिस्टेंस, ये बल्ब लगा हुआ है। अब क्या बोला है कि इस ये जो रेजिस्टेंस है इसके पास जो पोटेंशियल वी नॉट अगर तुम दोगे, मतलब अगर वी नॉट इसे पोटेंशियल मिलेगा, ये जो पावर प्रोड्यूस करेगा ये बल्ब वो कितनी करेगा? पी नॉट। ये लिखा हुआ है कि ये जो बल्ब, ये बोलते हैं ना 100 वॉट का बल्ब दे दो, दुकान से जाके खरीद के लाते हो ना, 100 वॉट का बल्ब है, ये 0 वॉट का बल्ब है, ऐसे सुना होगा तुमने। ये मैन्युफैक्चर होके आते हैं ऐसे बल्ब। तो अब ये 100 वॉट कब मिलेगा? हर वोल्टेज पे तो नहीं मिलेगा ये 100 वोल्ट। वो क्या लिखा आता है कि 100 वोल्ट वो कब देगा? जब तुम कितनी वोल्टेज दोगे उसे? 220 वोल्ट, तब तुम्हें वो 100 वोल्ट मिलेगी। ठीक है, अब देखो मान लो अब मैंने क्या किया, इस बल्ब को वी नॉट से कनेक्ट ना करके किसी वी से कनेक्ट कर दिया। ठीक है, वी से कनेक्ट कर दिया। अब मुझे ये बताओ अगर ये वी वी नॉट से, चलो इसको एक नंबर ही मान लो तुम वरना कंफ्यूज हो जाओगे, एक नंबर मान लेते हैं। ये एक बल्ब है, यही बल्ब मान लो 220 का 100 वोल्ट देगा। ठीक है, अब मैंने क्या किया, मैंने इसको बच्चों 100 वोल्ट से कनेक्ट कर दिया, क्या ये बल्ब अब कितनी पावर देगा? 100 वोल्ट की पावर देगा या उससे कम की पावर देगा? कम, क्योंकि वो 100 वोल्ट कब दे रहा है? जब 220 वोल्ट उसे मिल रहा है। अगर मैंने उससे कम वोल्ट की पावर, कम वोल्ट अगर अप्लाई कर रही हूँ तो पी नॉट जो मुझे पावर मिलेगी वो क्या मिलनी चाहिए? कम मिलनी चाहिए, राइट, लेस मिलेगी। अच्छा, अगर मुझे बताओ अगर मैंने ये अब क्या करा, बी की वैल्यू 220 से बढ़ाकर 250 वोल्ट कर दी, अब मुझे पावर कितनी मिलेगी, ज्यादा की कम? ज्यादा।
अब ये बल्ब क्या हो जाएगा, क्योंकि बल्ब मैक्सिमम वोल्टेज पे काम करेगा जो उस वोल्टेज पे मैक्सिमम पावर देगा, कितना 100 वोल्ट। तो ये दो चीज समझ में आई कि बल्ब जो भी होगा तुम्हारा ये डिजाइन होगा कि 100 वोल्ट पे इतनी मतलब 220 वोल्ट पे जो मैक्सिमम पावर दे सकता है यानी मैक्सिमम ग्लो हो सकता है वो कितना हो सकता है, 100 वोल्ट तक का ग्लो हो सकता है। अच्छा अब एक बात बताओ, जो बल्ब होता है ये बल्ब क्यों जलता है, वो उसमें एक हीटिंग फिलामेंट होता है ना, जो हीट होगा, जो हीट होता है जितना वो हीट होगा वो बल्ब, अब उसमें आर्गन गैस फिल होती है, जो आर्गन गैस क्या करती है उसको उस हीटिंग एलिमेंट से उस बल्ब को क्या करती है पूरे में ग्लो फैलाती है। तो बल्ब का फिनोमिना भी क्या है, हीटिंग एलिमेंट वाला, कि पहले जो बल्ब है उसका जो एलिमेंट है वो हीट होगा। वो हीट कैसे हो रहा है, वो हीट किससे हो रहा है, क्योंकि वहां पे ये पावर लॉस हो रही है, उस जो वायर है हीटिंग एलिमेंट है उसका खुद का एक रेजिस्टेंस है, उस रेजिस्टेंस से क्या हो रहा है कि उस रेजिस्टेंस के अक्रॉस हीट लॉस हो रहा है, वही हीट लॉस क्या दिखता है, वो बल्ब ग्लो हो रहा है, दिस इज द हीट लॉस। अब जितना हीट लॉस होगा मतलब वो बल्ब उतना ही पावर दिखा रहा है ना, इल्यूमिनेशन जो है वो क्या है पावर। जो 0 वोल्ट का बल्ब है वो कम ग्लो करेगा, बट 100 वोल्ट का जो बल्ब है वो ज्यादा ग्लो करेगा, क्यों, क्योंकि उसकी पावर ज्यादा है। इतना समझ में आया, यस और यस यस मैम। हाँ तो अब मैंने तुम्हें अभी क्या समझाया कि अगर 100 वो अब उस पे लिखा आएगा, ये मैन्युफैक्चर होके आते हैं कि मैक्सिमम पावर जो है 100 वोल्ट की है, अब तुमने 220 वोल्ट दोगे जब ही वो शो करेगा, अगर उससे कम दी तो कुछ और पावर आएगा। अब यही मेरा क्वेश्चन है कि मान लो पेपर में ऐसा क्वेश्चन आए कि बल्ब है ये 220 वोल्ट पे तुम्हें 100 वोल्ट पावर दे रहा है, बट मैंने तो 110 वोल्ट दिया इसको, तो मुझे बताओ कितनी पावर मिलेगी, हम कैसे सॉल्व करेंगे। इस बल्ब का एक रेजिस्टेंस होगा, यस और नो, यस मैम। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, इस बल्ब का रेजिस्टेंस निकालेंगे, रेजिस्टेंस बताओ कितना आएगा, पावर की टर्म में बताना। पावर क्या होगा, वी स्क्वायर बाय आर, ठीक है। अब देखो रेजिस्टेंस को, अब तुम्हारे पास पी नॉट और वी नॉट, मैं इस पावर को मान रही हूँ, पी नॉट वी नॉट ये है जो मेरी मैन्युफैक्चरिंग है, 220 और 100 वोल्ट, ठीक है, ये तुम्हारा ये है। यहां से क्या निकालोगे, रेजिस्टेंस कितना आएगा, वी नॉट स्क्वायर बाय पी नॉट, दोनों वैल्यूज गिवन है, देखो 220 वोल्ट और 100 वोल्ट दोनों गिवन है, यहां से रेजिस्टेंस फाइंड करोगे, बोलो, यस मैम, रेजिस्टेंस आ गया। अब दोबारा से कौन सा फॉर्मूला लगाओ, इस पावर का कितनी पावर मिलेगी, सपोज करो पी डैश मिल रही है, तो पी डैश का क्या फॉर्मूला है, वी स्क्वायर बाय आर, वी स्क्वायर कितना गिवन है बच्चों, 100 वोल्ट, रेजिस्टेंस तुमने ये फाइंड कर लिया। अब डायरेक्ट फॉर्मूला देखो क्या आएगा, वी स्क्वायर बाय वी नॉट स्क्वायर, ये पी नॉट क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, ठीक है, तो V by V naught इसका होल स्क्वायर ले लेते हैं, मल्टीप्लाई बाय P, रेजिस्टेंस निकालने की जरूरत ही नहीं है ऐसे वाले सवालों में, डायरेक्ट P डैश निकाल लोगे, कैसे, V by V naught का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय P naught, ठीक है, ये फॉर्मूला लिखो, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, V by V naught का स्क्वायर, मतलब दोनों वोल्टेज गिवन है, इसमें तुम्हें कितनी पावर मिलेगी, देखो कितना है V, कितना है 110, V नॉट कितना है 220, इसका स्क्वायर कर दो, पावर कितनी है हमारे पास, P नॉट 100, कितना आंसर आ गया, लो कितना इजी था, 1/2, ये हो गया 1/4 × 100, कितना आ गया 25, तो तुम्हें 25 वॉट मिल, ठीक है, एक मिनट में ये सवाल सॉल्व हो जाएगा, तो ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, लिख लो अपने कॉपी में, रेजिस्टेंस निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आगे बढ़ू, यस मैम, फॉर्मूला नोटेड, यस मैम, यस मैम, यस मैम, कर दो फिर ये वाला सवाल,
ऑप्शन डी. ऑप्शन डी. हाँ, ये तो बहुत आसान सा सवाल था. इसमें क्या बोला है कि 100 वोल्ट का, 100 वाट का बल्ब है विच इज डिजाइन टू ऑपरेट एट अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 230 वोल्ट. मतलब 230 वोल्ट की, 230 वोल्ट होगा तभी इतना वोल्ट का वो पावर देगा. तो पूछा है फाइंड द करंट ड्रॉन बाय द बल्ब इफ इट इज ऑपरेटेड एट अ पोटेंशियल डिफरेंस फॉर विच इज डिजाइन. तो क्या है, जिसके लिए वो डिजाइन किया गया है उतने ही पोटेंशियल दे रहा है, उसी पोटेंशियल पे कनेक्ट किया गया है उस बल्ब को. यानी ये बल्ब है विच इज कनेक्टेड एट द पोटेंशियल ऑफ 230 वोल्ट. तो अब पूछा गया है कि इस सर्किट से कितना करंट ड्रॉन होगा, तो आई बताना है. पी किसके बराबर होता है, वी आई के, है ना. ये सर्किट से कितना पावर मिलेगा, वी आई. और पार कितना है तुम्हारा बच्चों, 100. और ये कितना हो गया, 23. तो आई कितना हो गया, 10/23. तो ऑप्शन डी इज करेक्ट. अब इसके नेक्स्ट सवाल पे जाएंगे इसी में ही. अब इसी का मुझे बताओ, फाइंड द करंट ड्रॉन एंड पावर कंज्यूम्ड बाय द बल्ब अगर, कितने से कनेक्ट करती हूँ, 200 वोल्ट से. करंट भी बताओ, पावर कंज्यूम भी बताओ कि बल्ब कितना पावर देगा. देखते हो ना, घर में जब डिम लाइट आती है तो बल्ब जो है कम ग्लो करता है, वो पूरा बल्ब, पूरा बल्ब ग्लो नहीं करेगा. वो पूरा बल्ब कब ग्लो करेगा, जब पूरा उसको उतनी वोल्टेज मिलेगी जिसके लिए वो डिजाइन है. तो उसका रीजन यही होता है. कितना आंसर आ रहा है, पावर कितनी आ रही है. पावर तो आ जानी चाहिए थी भाई. अब तो पावर का फॉर्मूला तो डायरेक्ट है, V by V naught square into P naught. मैम 127.2. वोल्टेज कितना है भाई तुम्हारे पास, 200. ये 230 है स्केयर मल्टीप्लाई पी नॉट कितना है भाई, 100. तो ये 100 से 100 कैंसिल, तो कितना आया, 20 × 20 × 100 डिवाइडेड बाय 23 × 23, कितना आएगा अप्रोक्सीमेटली. (25 × 25) कितना होता है, 625. 23 × 23 कैलकुलेट कर लेते हैं ना, 529. 75 कुछ आ रही है पावर.
तो पार तो तुम्हारे पास आ गई। अब तुम्हें बताना है कि कितना करंट आएगा, तो अब कैसे बताओगे? पावर इक्वल्स टू वी आई, पावर आ गई तुम्हारे पास कितना, 75 वोल्ट, और वोल्टेज कितना है भाई अब की बार, 200। ये तुम्हारा आई आ गया 75/200, कितना आ रहा है? ठीक है, 0.3 0.3 एज इट इज आ रहा है ना इसमें तो। और फाइंड द करंट ड्रॉन, तो इन्होंने क्या निकाला है, पावर इक्वल टू वी बाई आर, अच्छा रेजिस्टेंस ही किया है, नहीं ऐसे भी कर सकते, ठीक है ये वाला करो। तो आज हम हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, बस अब अगली क्लास स्टार्ट करेंगे हम लोग नया चैप्टर। इस चैप्टर का डाउट सेशन भी रख लेंगे, तुम लोग डाउट्स ले आना, अपने क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना। क्या आएगा बताओ? हम अपने व्हीटस्टोन ब्रिज पढ़ाया था। हाँ व्हीटस्टोन ब्रिज पढ़ाया था, व्हीटस्टोन ब्रिज कराया था। व्हीटस्टोन ब्रिज में है क्या, 10 मिनट का चैप्टर है, टॉपिक है 10 से 15 मिनट। कॉन्सेप्ट तो 10-5 मिनट में समझ में आ जाएगा, फिर उसके बाद क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लो। तो क्या है देखो, पहले 500 वॉट की पावर मिलेगी जो 200 वोल्ट लाइन पे ऑपरेट किया जाएगा, ठीक है। अब क्या कर रहे हैं, 160 वोल्ट पर हमने चेंज कर दिया, तो हमें बताइए कि पावर का जो आउटपुट है वो कितना ड्रॉप हो जाएगा, कितने परसेंटेज पे। तो मतलब तुम्हें पावर निकालनी पड़ेगी, उसके बाद क्या कर दो, परसेंटेज ऑफ परसेंटेज चेंज निकाल दो। मैम 36% आ रहा है। हाँ एकदम करेक्ट। पहले मुझे पावर बताओ कितना आया, वी बाय वी नॉट करा, ये पी नॉट, पावर कितना आया 160/200, और ये कितना है पी नॉट की वैल्यू 500। कितना आ गया 64/5, ठीक है। अब परसेंटेज चेंज निकाल दो, कितना ड्रॉप हुआ है, मतलब इनिशियल पावर माइनस जो फाइनल आई है, और कंपेयर किससे करेंगे, इनिशियल पावर से बाय पी नॉट परसेंटेज। तो कितना था भाई, 500 - 324/500, कितना आ रहा है, ये 324 नहीं 320 आ रही है, ये 320 है, 320 है। तो कितना आ गया, ये 180/500, परसेंटेज का 100 लगा दोगे, तो ये आ गया 36%। इस तरीके से क्या निकल जाता है, चेंज इन परसेंटेज, राइट? यस मैम।
अब देखो अभी क्या है, टू बल्ब इन सीरीज. अब इसका क्या मतलब है टू बल्ब इन सीरीज का? आपके पास दो बल्ब होंगे, ठीक है, मान लो ये दो बल्ब है, ये बल्ब कम ट्री ज्यादा लग रहा है ना, और ठीक है. अब मान लो ये किसी एक वोल्टेज से कनेक्टेड है, बी से. अब ये जो बल्ब है इसकी जो रेटिंग है वो मान लेते हैं पी नॉट वन है, कितनी वोल्टेज पे, वी नॉट वन पे. ये जो बल्ब है इसकी जो रेटिंग है वो पी नॉट टू है, कितनी वोल्टेज पे, वी नॉट टू पे. अच्छा एक काम करते हैं नंबर ले देते, वरना तुम वी नॉट वी नॉट चलो ऐसे ही करो फिर नंबर से समझेंगे, ठीक है. तो अभी ये बताओ दोनों जो बल्ब हैं, बल्ब वन और बल्ब टू, इनके रेजिस्टेंस सेम होंगे अलग 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 होंगे? सिंपल सी बात है, ये वोल्टेज V के साथ कनेक्टेड है, ठीक है. मैं इनका रेजिस्टेंस भी लिख देती हूँ, ये रेजिस्टेंस R1 और इनके पास रेजिस्टेंस R2, इक्वल नहीं ये है. अब देखो अब यहाँ पे किस तरीके का क्वेश्चन आएगा कि कौन से बल्ब ये कनेक्टेड है, तो अब ये इनमें से तुम्हें ये बताना पड़ेगा कि इस वोल्टेज पे कौन सा जो बल्ब है इन दोनों में से ज्यादा ग्लो करेगा, है ना. मान लो ये वोल्ट मैंने दे दिया कि दिस इज द 100 वोल्ट, और इनकी कुछ वैल्यूज गिवन होंगी. अब तुमसे क्वेश्चन में पूछ लिया जाएगा कि दो बल्ब ऐसे ऐसे कनेक्टेड हैं, अब मुझे ये बता दो कि कौन सा बल्ब है जो इस वोल्टेज पे ज्यादा ग्लो करेगा, और दोनों बल्ब किसमें है, सीरीज में. दो की जगह तीन भी लगा सकता है, पांच भी लगा सकता है, दोनों में ना सभी में तुम्हें सेम लगाना है. तो इस तरीके के क्वेश्चन को कैसे टैकल करोगे, दो बल्ब कनेक्टेड है सीरीज में और तुम्हें तुमसे ये पूछा है कि कौन सा बल्ब ज्यादा ग्लो करेगा, मतलब कौन सा बल्ब ज्यादा पावर यूज करेगा. तो उसके लिए देखो कैसे, अब मैं सपोज कर एक चीज सपोज करके चलते हैं जो तुम्हें दिखेगी पेपर में. मान लो मैं मान ले रही हूँ कि जो पी नॉट वन की जो पावर, जो ये पहला बल्ब है इसकी जो पावर रेटिंग है वो दूसरे बल्ब से ज्यादा है, ठीक है. अच्छा मान लो पावर ये सेम है 220 वोल्ट और ये भी 220 वोल्ट, ये पावर रेटिंग है कि मतलब ये इस वोल्टेज में पी नॉट की पावर दे रहा है और ये सेम वोल्टेज में पी नॉट वन की पावर दे रहा है, मतलब ये दोनों बल्ब, ठीक है. अब क्या हुआ कि जो पहला बल्ब है इसकी पावर ज्यादा है सेम वोल्टेज पे, दूसरे बल्ब की कम है. अब मैंने इन दोनों बल्ब को 100 वोल्ट से कनेक्ट कर दिया, ठीक है. अब तुम लोग मुझे ये बताओ कि कौन सा जो बल्ब है वो ज्यादा ग्लो करेगा. इसका पी नॉट भी मान लो, कि मान लो ये दे रहा है तुम्हें 100 वोल्ट और ये तुम्हें दे रहा है सिर्फ 50 वोल्ट, 220 से 50 वोल्ट दे रहा है, 220 से 100 वोल्ट दे रहा है. अब मैंने 100 वोल्ट से कनेक्ट कर दिए, अब विच बल्ब विल ग्लो मोर, कौन सा बल्ब है जो ज्यादा ग्लो करेगा, बस इतना सवाल. पेपर में बहुत बार आते हैं ऐसे क्वेश्चन, विच बल्ब विल ग्लो मोर, कौन सा बल्ब फ्यूज हो जाएगा, है ना, दोनों बल्ब ग्लो करते रहेंगे कौन सा वाला फ्यूज होगा, ये उसी तरीके के सवाल है. तो कैसे करोगे, देखो पावर जो है ये किसके बराबर होती है, वी स्क्वायर बाय आर के, यानी ये आर नॉट वन. अब दूसरी पावर है जो पी नॉट टू वो किसके बराबर हो जाएगी, बी स्क्वायर बाय आर नॉट टू. दोनों का वोल्टेज देखो सेम है, ठीक है, तो वोल्टेज मैंने एज इट इज लिख लिया. अब एक बार मुझे रेजिस्टेंस बताना कौन से वाले बल्ब का ज्यादा है, पी नॉट वन ज्यादा है और ये पी नॉट टू कम, तो रेजिस्टेंस किसका है, इस कंडीशन ज्यादा होगा. देखो ये इसकी पावर ज्यादा है तो इसका रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, यानी आर नॉट वन इज लेस देन आर नॉट टू. इतना समझ में आया, यहां तक दिक्कत? यस सर, ठीक है. मतलब एक की पावर ज्यादा है सेम वोल्टेज पे, इसका मतलब उसका तो रेजिस्टेंस कम है इसलिए पावर ज्यादा है, तो आर नॉट टू का जो रेजिस्टेंस है मतलब वो ज्यादा है. अब आपको कितने वोल्ट के पर पावर निकालनी होगी, 100 वोल्ट पर पावर निकालनी होगी, है ना. अब ये दोनों बल्ब किसमें लगे हुए हैं, सीरीज. अभी देखो, हाँ वो जो फॉर्मूला है ना आई स्क्वायर आर
और वी स्क्वायर बाय आर वो कब यूज करने हैं, जब दोनों रेजिस्टेंस का वो निकालो कॉमन करके। अभी मुझे यहाँ पे मैंने इंडिविजुअल देखा तो मैंने वी स्क्वायर बाय आर लगा दिया, इस बल्ब का भी इंडिविजुअल देखा तो वी स्क्वायर बाय आर लगा सकते हो। अब मैं क्या करने जा रही हूँ, अब इन दोनों का वो कंपेयर करूँ, जैसे दोनों बल्ब सीरीज में है तो अब फॉर्मूला जो लगेगा पावर का वो क्या लगेगा, आई स्क्वायर आर। अब तुम्हें नई पावर निकालनी है दोनों बल्ब की, मान लो ये पी वन है नई बल्ब के लिए, रेजिस्टेंस इसका कितना है आर नॉट वन, ये दूसरे बल्ब के लिए पावर पी टू है सीरीज में है तो आई स्क्वायर सेम रहने वाला है, रेजिस्टेंस कितना है आर नॉट टू, आई स्क्वायर विल बी, अब कंपैरिजन होगा ना, इसलिए दोनों बल्ब को मैंने सीरीज वाले फॉर्मूले से लिखा है, ठीक है। अब मुझे बताओ दोनों में आई स्क्वायर शुड बी सेम सीरीज में, यस हाँ। अब आर पी वन के लिए देखो आर अब किस पे डिपेंड कर रही है, पावर डायरेक्टली रेजिस्टेंस पे, रेजिस्टेंस पावर डायरेक्टली किस पे डिपेंड करेगी, रेजिस्टेंस पे, रेजिस्टेंस किसका ज्यादा है टू वाली, टू का आर टू का, तो कौन सी कौन सा बल्ब ज्यादा ग्लो करेगा इस केस में, सेकंड बल्ब। तो यहाँ से क्या सीखने को मिला कि जिसकी सेम वोल्टेज पे जिसकी पावर रेटिंग कम है वो बल्ब क्या करेगा, ज्यादा ग्लो करेगा। तो देखो बल्ब हैविंग मोर पावर रेटिंग विल कंज्यूम लेस पावर व्हेन कनेक्टेड इन सीरीज, तो मतलब इसकी पावर रेटिंग ज्यादा थी इसने कम पावर ली, वहीं पे इसने ज्यादा पावर ली, तो बल्ब ज्यादा ग्लो भी कौन सा करेगा, सेकंड वाला, ठीक है। तो बस यहाँ पे यही पढ़ना था, तो P2 will be glow more. नोट डाल के कहाँ लिखाऊं, तो नोट यहाँ डाल के लिखो। अब ये कहाँ लगाया तुमने, सीरीज में, अब पैरेलल में लगाओ तो यही सेम चीज क्या हो जाएगी, उल्टा हो जाएगी। पैरेलल में कौन सा बल्ब ज्यादा ग्लो करेगा, जिसकी पावर रेटिंग ज्यादा है पैरेलल के केस में, बताना इसमें मुझे सेकंड वाला केस बताओ इसका, सॉरी 220 हो जाएगा, सेम सेम करो, ये वोल्ट है। सेकंड क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन आएंगे, विच बल्ब विल ग्लो प्रोड्यूस मोर इल्यूमिनेशन इफ दे आर कनेक्टेड इन सीरीज, तीन चार ऑप्शंस दे देंगे तुम्हें, मतलब अभी यहाँ तो दो केसेस हैं, वहां तुम्हें बल्ब 1, 2, 3, 4 आप पूछ लेंगे इन चारों में से कौन सा बल्ब ग्लो करेगा, तो तुम्हें कौन सा आंसर देखना है, सीरीज में कौन सा ग्लो कर रहा है जिसकी पावर रेटिंग कम है, जिसकी पावर रेटिंग कम है, तो पावर रेटिंग कम यहाँ पे किसकी है, 60 वोल्ट की, 60 वोल्ट। हाँ, तो अभी ये पता है कैसे क्वेश्चन आएगा कि एक बल्ब है बी वन जो जिसकी वैल्यू है 100 वोल्ट 220 वोल्ट पे, एक है 60 वोल्ट 20 वोल्ट पे, 10 वोल्ट 220 वोल्ट पे, ऐसे करके। अब सीरीज में भी तुम्हारे पास जिसके पास सबसे कम रेटिंग वो सबसे ज्यादा ग्लो करेगा, यानी दिस विल बी ग्लो मोर, ये ऑप्शन ये कॉपियों में नोट करके लिख लो, याद रहनी चाहिए, डायरेक्ट टाइम वेस्ट तो करना ही नहीं, ठीक है। अब देखो कई बार अगर क्वेश्चन को टफ करना चाहेगा तो क्या इस तरीके से पूछ लेगा, ये चेंज कर देगा इनको, वोल्टेज इसको क्या कर देगा बच्चों, चेंज कर देगा। तो अब इस केस में क्या से कर, इस केस में कैसे निकालोगे, क्या इस केस का कोई शॉर्टकट है,
तो यहाँ तुम लोगों को क्या करना पड़ेगा, बिल्कुल जो यहाँ तक सॉल्व किया है ना, ये पहले रेजिस्टेंस निकाला है, रेजिस्टेंस निकालोगे, फिर उसके बाद क्या करोगे, रेजिस्टेंस चेक करोगे कि किस वाली का रेजिस्टेंस ज्यादा है, तो जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा उसकी पावर रेटिंग ज्यादा। ये याद रख लो, सीरीज में पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। अब ये वाला क्वेश्चन करना, ये अब मैंने पावर दो, ये वोल्टेज अलग अलग कर दी, तो रेजिस्टेंस निकालो, वी स्क्वायर बाय आर, 100 इनटू 100 बाय पावर, पावर कितनी है, अरे वी स्क्वायर है ना, सॉरी सर 220 आर, ये होगा आर वन, और ये आर टू कितना आएगा बच्चों, 110 मल्टीप्लाई 110, ये आ गया 60। कौन सा रेजिस्टेंस ज्यादा है, 22 इंटू 22 कितना आएगा, कुछ 440 के आसपास बनेगा, और ये बनेगा 100 बाय 6, अब देखो किसका रेजिस्टेंस ज्यादा है, वन वाले का, तो रेजिस्टेंस आर वन का ज्यादा है, तो कौन सा बल्ब ज्यादा ग्लो करेगा, ये फर्स्ट वाला, तो पी वन विल ग्लो मोर देन पी, रेजिस्टेंस निकालने की जरूरत है, पावर निकालने की भी जरूरत है, तो क्योंकि हमने देखा है कि जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा है सीरीज में उसी की पावर ज्यादा आएगी। तो घबराना मत देख के कि मैम ने तो सिर्फ सेम सेम वाले में कराया था, ये शॉर्ट ट्रिक है कि सेम सेम में अपनाओगे तो बस देख लेना कि जिसका पावर, जिसका रेजिस्टेंस, जिसकी पावर रेटिंग ज्यादा वो कम ग्लो करेगा, मोर पावर रेटिंग लेस पावर, मोर पावर रेटिंग लेस पावर, और डायरेक्टली अगर डिफरेंट वोल्टेजेस है तो यू शुड हैव टू कैलकुलेट रेजिस्टेंस, ठीक है, अगर डिफरेंट पावर रेटिंग्स हैं तो यू शुड हैव टू फर्स्ट कैलकुलेट रेजिस्टेंस। अब दूसरा है तुम्हारा टोटल पावर, अब सीरीज में बच्चों टोटल पावर कैसे निकालोगे, देखो अब मान लो इसी क्वेश्चन को मैं बोल दूं कि मुझे बताओ कि इस सीरीज में टोटल पावर, ये सर्किट है, इस सर्किट में तुमने पी वन निकाला और पी टू निकाला, मान लो यही सर्किट है, 3 मिनट है हमारे पास, फटाफट करना है, ये दो है हमारे पास, ये जो मैंने 100 वोल्ट बोला था ये कितना था, 220 वोल्ट पे 100 वॉट, और ये 220 वोल्ट पे 15 वॉट। अब तुमने पावर भी निकालनी थी भाई, 100 वोल्ट पे इसकी पावर पी वन आई है और इसकी पावर पी टू आई है, अब मैं बोलूं कि मुझे टोटल पावर बताओ इस सर्किट की, तो कैसे निकालेंगे आप, पी वन पी टू के फॉर्म में निकालोगे या पी नॉट पी टू के फॉर्म में निकालोगे, पावर क्या हो गई, बी स्क्वायर बाय आर वन प्लस बी स्क्वायर बाय आर टू, क्योंकि वोल्टेज तो दोनों की सेम ही है बिल्कुल, ठीक है, अब कौन सी वी यूज करोगे पहले ये बताओ, 100 वॉट, हाँ 100 वॉट, क्योंकि अभी तुमने पी वो वाली ली है जो तुमने अभी निकाली है, किसके लिए, 100 के लिए, ठीक है, तो बी स्क्वायर क्या हो गया, कॉमन हो जाएगा, आर वन आर टू की वैल्यू भी निकाली है, ये आर वन आर टू की वैल्यू निकालो कितनी हो जाएगी, पी नॉट स्क्वायर बाय पी वन है ना, आर नॉट, ये पी नॉट वन करो, आर नॉट टू कितना हो जाएगा, बी नॉट स्क्वायर बाय बी नॉट टू, आर वन और आर टू भी आ गए,
अब जब इन वैल्यूज को तुम रखोगे पूरा इतना लंबा वो करोगे प्रोसीजर, जब इनको सॉल्व करोगे तो तुम्हारे पास पावर की जो वैल्यू आएगी, मैं यहीं पे बता देती हूँ वो कितनी आएगी। मतलब अगर तुमसे सवाल पूछा जाए कि मुझे इस सर्किट का ये बता दो कि टोटल पावर कितनी प्रोड्यूस होगी, तो तुम्हें नई पावर निकालने की जरूरत ही नहीं है। तुम्हें जो पावर रेटिंग गिवन है उनको किसमें अरेंज कर दो, पैरेलल में, पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, ये पूरा प्रोसेस था, इसको जब सॉल्व करोगे तो तुम्हें ये मिलेगा। अभी टाइम की कमी है तो इसे एक बार घर पे सॉल्व कर लेना, मैंने तुम्हें प्रोसेस बता दिया। इस वैल्यू रखेंगे यहाँ, इसको सबको सॉल्व करके तो पावर कितनी आई, 1/P01 + 1/P02। अगर एक और तुम्हारे पास यहाँ पे एक और बल्ब ग्लो जोड़ दिया जाता तो 1/P02। अब ये P0, P0, 1, 2, 3 क्या है बच्चों, दी जाता पावर रेटिंग। ठीक है, पावर रेटिंग है ये जो गिवन है तुम्हें पेपर में, गिवन मिलेंगे पावर रेटिंग ये, जैसे 100 वोल्ट। पावर रेटिंग का मतलब क्या है कि ये डिजाइंड वैल्यू है, ये पावर रेटिंग में बोल रही हूँ, दी जाता डिजाइंड वैल्यू कि इतनी वोल्ट पे इतनी ही पावर मिलेगी। ठीक है, तो आसान हो गया ना अब तो, और तुम्हें सॉल्व ही नहीं करना पड़ेगा, ये डायरेक्ट सॉल्व कर लोगे। और ये याद रखना, अगर तुम ये वाली फॉर्म में लिखोगे जो ये वाली पावर है इसके फॉर्म में लिखोगे तो तुम्हें ये वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, P1 + P2 वाला। दोनों तरीके से तुमने पावर ही निकाली, ये भी पी है और ये भी पी है, राइट। अब इनको भी स्टार मार्क कर दो। दोनों फॉर्मूले तुम्हारे दिमाग में भरे होने चाहिए, पावर रेटिंग के फॉर्म में डायरेक्ट, और अगर पूरा सॉल्व करके निकालना है तो P1 + P2। अब इस केस में पावर निकालना कैसे निकालते, तुम टोटल पावर प्रोड्यूस्ड सीरीज वाले में निकालो, सीरीज में पावर बताओ कैसे निकालोगे, कौन सा फॉर्मूला ज्यादा इजी रहेगा, P1 + P2 या P0 वाला? हम P0 वाला ना, क्योंकि यहाँ पे तुम P1 P2 निकालोगे, दिमाग में कमी थोड़ी तुम लोगों के, जब तुम्हें पता ही है फॉर्मूला क्या करोगे, बस 1/P = 1/100 + 1/60 ये कर दोगे, तो यही तुम्हारा क्या है, पावर प्रोड्यूस। पर जिसमें गिवन ना हो उसमें भाई तुम्हें फिर कोई नो ऑप्शन, उसके बाद क्या करना पड़ेगा आपको, P1 वो उसकी वैल्यूज ही निकालनी पड़ेगी पावर्स की। अब आ जाओ पैरेलल में, पैरेलल में क्या होगा, अगर दो बल्ब पैरेलल में जुड़े हुए हैं बच्चों, बोलो दो बल्ब के पैरेलल में है, अब वोल्टेज तो देखो दोनों इसकी भी सेम ही है, और कितना पावर दे रहा है, P01 पावर रेटिंग, ये कितना पावर रेटिंग है इसकी, P02। अब ये एक किसी वोल्टेज सोर्स से कनेक्ट है, मान लो 100 वोल्ट, तो इसको मान लो 220 पे, ये 220 है इसकी पावर रेटिंग, वही 100, और यही वही इसकी पावर रेटिंग 50 वोल्ट। पुराना वाला केस उठा लिया, बस दोनों बल्ब को पैरेलल में कर दिया। अब मुझे बताओ कि कौन सा बल्ब ज्यादा ग्लो करना चाहिए, बात क्या थी, रेजिस्टेंस पे ही थी, बट अब पैरेलल में होंगे तो हम कौन सा पावर का फॉर्मूला यूज करेंगे, V² / R दोनों में। तो मतलब पहले रेजिस्टेंस निकालो R01 और फिर R02, बताओ किस वाले का रेजिस्टेंस ज्यादा है, पुराना वाला केस है ना, इसका रेजिस्टेंस ज्यादा है कि दूसरे वाले का? मैम दूसरे वाले का, दूसरे वाले का। तुमने ये कैलकुलेट तो किया था यहाँ पे खुद ही, कहाँ गया, दूसरे का ज्यादा आया था ना, दूसरा ये 220 से 50 वाला, तो 220 से 50 वाले का ज्यादा था, यानी रेजिस्टेंस R02 का इज ग्रेटर देन R01। अब पैरेलल के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे पावर का, V² / R। ठीक है, वी देखो दोनों के लिए ये वाली वी है जो कि सेम है, अब रेजिस्टेंस आर कौन सा है, कौन सा ज्यादा है, R02 वाला, P01 = V² / R01। अब देखो R02 वाली क्या है, ये ज्यादा है, तो पावर किसकी ज्यादा हो जाएगी भाई, P02 की पावर कम है
पी नॉट वन से, पी नॉट नहीं अभी यहाँ तो तुम पावर ही निकालो जो तुमने सॉल्व करी, नॉट पावर रेटिंग। यहाँ पे किसकी पावर ज्यादा है देखो, कौन सा बल्ब ज्यादा ग्लो करेगा, जिसकी पावर रेटिंग ज्यादा है, पैरेलल में उल्टा हो गया। ऐसे याद रखना ना कि पैरेलल में है तो पैरेलल में पावर क्या होती है, वन बाय आर। ऐसे याद करो, पैरेलल में पावर वन बाय आर, मतलब जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा उसकी पावर कम, ऐसे याद कर लो बस। और सीरीज में क्या था, पावर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर थी। ठीक है, अब देखो ये वाला क्वेश्चन है, इसमें मुझे बताओ फर्स्ट वाला, पैरेलल में कौन सा बल्ब ज्यादा ग्लो करेगा, जिसकी पावर रेटिंग 220 वोल्ट वाला। हाँ 200, अच्छा इसमें चलो 220 में निकाल लो, तुमने रेजिस्टेंस निकाला है, किसका रेजिस्टेंस ज्यादा है, 183 का, तो पावर क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो इसका मतलब कौन सा बल्ब ग्लो करेगा, एक ज्यादा R1 है, इसकी रेजिस्टेंस कम है तो पावर ज्यादा इसकी होगी, ये वाला ज्यादा करेगा। रेजिस्टेंस R1, इसका रेजिस्टेंस इतना आया है और इसका रेजिस्टेंस कितना आया है, 183, तो पैरेलल में पावर इनवर्सली 1/R, तो रेजिस्टेंस इसका कम है, इसका पावर इसकी ज्यादा आ रही है फिर तो यार, R2 की इसका। ये क्या कर दिया, देखना एक बारी, R2 का रेजिस्टेंस वैसे 201 आएगा। ठीक है, वो तो थोड़ा बहुत कैलकुलेशन ठीक है, यहाँ मैंने क्या लिखा है, पैरेलल में क्या लिखा है, जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा है उसकी पावर कम है, है ना, या जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा है उसकी पावर कम है, रेजिस्टेंस इसका ज्यादा, किसका ज्यादा है, इसका, तो इसकी पावर कम, यही तो कर रहे हैं। अरे अरे यस मैम, उल्टा कर दिया ना मैंने आपको। यानी P2 इज ग्रेटर देन P1 आ गया, पहले केस में भी यही आया था क्या, मैं बच्चों सॉल्व करके क्या निकाला था पहले वाले का आंसर, ठीक है, तो इसमें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर था, मतलब उस वाले में किसकी पावर जाती थी, इस वाले की, ठीक है, डन। मैं यहाँ पे लिख, जब पीपीटी मिले तो तुम देख लो, सीरीज में P1 इज ग्रेटर देन P2, यहाँ पे P2 इज ग्रेटर देन P1, तो यानी कुल मिला के तुम्हारी बात रेजिस्टेंस पे ही है, वो तो रटने, वो तो मैंने जो तुम्हें बताया है कि पावर रेटिंग कम तो वो ज्यादा, वो तो वो चीज है जब तुम्हें रेजिस्टेंस निकालना ना पड़े, जब रेजिस्टेंस अलग अलग, जब ये पावर वोल्टेज जब सब अलग अलग मिलेगा तो यू हैव टू कैलकुलेट रेजिस्टेंस, तो मेन मुद्दा यहाँ पे रेजिस्टेंस का है, बस ये याद रखना, पैरेलल में इनवर्सली और सीरीज में डायरेक्ट। अच्छा यहाँ पे पावर क्या हो जाएगी बच्चों, रेटिंग्स के टर्म में, रेटिंग के टर्म्स में यहाँ पे पावर आएगी P01 प्लस P02, ठीक है, रेटिंग के लिए पैरेलल में पावर सीरीज में आएगी, और अगर जो ये वाली पावर ऐड करोगे जो तुमने ये कैलकुलेट करी है, इसके लिए क्या हो जाएगा, 1/P इक्वल्स टू 1/P1 प्लस 1/P, तो ये पावर रेटिंग था, ये कैलकुलेटेड है, तुमने एक पर्टिकुलर वोल्टेज पे निकाली, ठीक है, तो आई डोंट थिंक कि यहां से बाहर कोई सवाल आएगा पावर में से, तो सारे कॉन्सेप्ट पढ़ा लिए हैं मैंने, एक और कॉन्सेप्ट आता है, ये अभी तक कोई बात नहीं, अभी तुम्हें लग रहा होगा कि एकदम से इतना सारा पढ़ लिया, लग रहा है क्या, अब एक कॉन्सेप्ट और रह गया फ्यूज वाला,
तो अभी उसको नहीं करते हैं वरना तुम फ्यूज हो जाओगे, ठीक है? तो फ्यूज वाला जो है कॉन्सेप्ट वो हम लोग अगली क्लास में कर लेंगे, डोंट वरी भाई। सारा उड़ गया क्या? सेव इट, सेव इट। यू एवरीवन इन द नेक्स्ट क्लास, बाय बाय, थैंक्स फ्रेंड्स।